अच्छा बाबूजी, हम गायक सोहन लाल यादव और आज फिर से एक बार हमारे बड़े भैया कमलेश यादव जी के देख रेख में ये जवाहर फिल्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक नया कांड लेकर के फिर पेश हुआ हूँ। हमें ऐसा नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार इस ग्रहे को आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। भूमिका पर गौर करेंगे, कैसी कहानी और कहां की कहानी है, चार लाइन भूमिका पर गौर करेंगे। कृष्ण गीता में उपदेश दिए है हमें, कर्म जैसा तेरा फल वैसा मिलेगा। मानव हो कर मानवता को भूले या गरी, मुख मंडल पर कालिक तेरे भी लगेगा। अंत आतंक का एक दिन होगा तेरे, तेरे पापों का जब वो घड़ा भी भरेगा। जमाना दीवाना जब होगा बेगाना, हरि शंकर भी तेरा तराना लिखेगा। जमाना दीवाना जब होगा बेगाना, हरि शंकर भी तेरा तराना लिखेगा। जब समय आदमी के अनुकूल हो जाला तो अच्छा बात बनल बात भी बिगड़ जाला। ए भैया, ये जमाना ऐसन बा कि ये जमाना के बड़ा सजोए के लेके चले के चाहिए। अगर जेह दिन तो हर किस्मत उल्टी चले लगल तो सारा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। ऐसा ना आप लोगों के बीच में एक कहानी बा जौना के सुनला के बाद ये मन प्रसन्नचित हो जाए। कौवाली का टुकड़ा बड़ी निम्मल लगल मास्टर। ओहो हो हो, कोई आशिक अपनी माँ सुकार से कहता है कि अपने आगोश में हमें रखो। वाह क्या बात है, आगोश में रखो ये जिंदगी संवर जाएगी। क्या कहता है, अपनी जुल्फों के छांव में सुला ले सनम, अपनी जुल्फों के छांव में सुला ले सनम, तू मेरी है सनम मैं तेरा हूँ बलम, तू मेरी है सनम मैं तेरा हूँ। जिया जिया, अपनी जुल्फों के छांव में मेरी है सनम मैं तेरा हूँ बलम। ई तो गजल बा, लेकिन ऐसे निम्मन भाव हमारे बिरहा में लिखल गल। का लिखल गल मास्टर, कि सात जन्मों सात जन्मों का साथी बनाया हमें,
सात जन्मों का साथी बनाया हमें, बीच धारा में काहे डुबाया हमें, बीच धारा सात जन्मों का साथी बनाया हमें, सात जन्मों का साथी बनाया हमें, बीच धारा में काहे डुबाया, कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी बा कहाँ का, कैसन कहानी बा, कलेजा हिल जाई। बिहार पटना की घटना मैं सुनाता हूँ, बिहार पटना की घटना मैं सुनाता हूँ, कैसे रिश्ते मैं आपको बताता हूँ। पप्पू तारा दोनों बड़े ही खुशहाल रहे, पप्पू तारा दोनों बड़े ही खुशहाल रहे, बेटा अनिल को मिलकर दोनों ही पाल रहे। पप्पू के पिता नहीं माता ही सहारा थी, पप्पू के पिता नहीं माता ही सहारा थी, माता शारदा ही सब का किनारा थी। शहर लखनऊ में पप्पू भी कमाता था, शहर लखनऊ में तब पप्पू कमाता था, शाम सुबह फोन घर पे लगाता था। ए भैया, कहानी बिहार पटना से लिहल गई। एक परिवार में बुढ़िया महतारी और उनकर लड़का पप्पू, एक दुल्हिन बा जेकर नाम तारा बतावल गई, और एक लड़का बा 10 साल का जोने लड़का का नाम बतावल गया अनिल। ये परिवार में इतने लोगों का परिवार है और बड़ा प्रेम भाव से लोग रहत बा। ए भैया लेकिन भइल हो का गीत लगत हो मास्टर। कोनो दुलहिन ससुरा से लौट के आइल बा, दोबारा विदाई बा, चुहुक गइल बा, कलस की अब हम जाए वाला ना है, सैया के तनो डोली लेके आई है लेकिन हम जाए वाला ना है, कहत बका कहलस। आई है आनवैया हमारे सैया हम जवैया नहीं, जही बो करब उनसे कुछ बोलवैया नहीं, जही बो करब उनसे कुछ बोलवैया नहीं, आई है आनवैया हमारे सैया हम जवैया नहीं। ल
लेकिन वो परिवार में एक ही व्यक्ति पप्पू जो लखनऊ में ड्यूटी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है, धीरे धीरे समय बीतत पायो लखनऊ में ड्यूटी कर रहा बाड़न। ए भैया समय बीतल, छठ पूजा का त्योहार आ गया। एक दिन उनकर दुल्हन तारा फोन लगौली, कहली कि सैया छठ पूजा का त्योहार आ गया सर पे, और तू दवा पारी के होली में भी ना अला हमके भुलवा देहला, ना अला होली भी ना मनल, लेकिन दवा पारी छठ के पूजा में आप जरूर आ जाए। फोन पर दोनों परानी के बात होते कि सैया ए दवा हमके भूलवैया मत, ये छठ के पूजा पर 10 दिन पहले वह घरे आ जा। पप्पू अपने दुल्हन तारा से कहला कि जरूर आई। ए भैया लेकिन दुल्हन मनमनिया करता अपने सैया को, कैसे सुना हो सजनवा मोर कहनवा तू भवनवा आ जा, सुना हो सजनवा छठ के पूजनवा खातिर मान मोर कहनवा आ जा, छठ के पूजनवा खातिर मान मोर कहनवा आ जा, सुना हो सजनवा मोर कहनवा तू भवनवा आ जा। सहेली सब करी सैया घरे आवे हमारा के राजा सुना काहे भूलवावे ला, हाथवा के जोरी काही हाथवा के जोरी काही छठ के पूजनवा आ जा, हाथवा के जोरी काही छठ के पूजनवा आ जा, सुना हो सजनवा मोर कहनवा तू भवनवा आ जा। ए सैया हमरो मन करेला कि हमार परानी हमरे लगे रहे, लेकिन मजबूरी बा पेट न हो तो भेंट ना हो, दुनिया से भेंट ना हो। ए भैया मजबूरी बा कि कमाना बा, लेकिन ये छठ के पूजा में आप जरूर आई, वादा कह दे हम पप्पू कि जरूर आई बे छठ के पूजा में, हम 10 दिन पहले में आ जाब। समझा रहल बा तारा कि ये सैया 10 दिन पहले आईहा और घर में एक बूढ़ी सास है, छठ के पूजा में हम व्रत रहब, आखिर परिवार में कोई कुछ करे वाला नहीं बा, आईहा तो ससुरार चल जाइहा जाके हमारे छोटकी बहिन के उठा लईहा लेके आईहा तो पूजा पाठ में हमार हाथ बटैहन सहयोग करीहन। सैया पप्पू कहलन कि अच्छा ठीक बा हम जरूर आवत हैं। ए भैया दोनों जने के बाद बीच में ये बात तय हो गई कि 10 दिन पहले छुट्टी लेके पप्पू घरे आई हन। ए भैया वैसे ही शर्त के अनुसार 10 दिन पहले छुट्टी लेके पप्पू घरे आल हुन। जब घरे आल हुन तो का भइल मास्टर गीत लग गई, कौनो देवर का बड़ा मजबूरी बा,
भैया भौजी घर में सूदत हुआ बहरा सूद के जाड़ा के महीना में टुस्की मारत है। बड़ा परेशान बान अपने दोस्त के बीच में गल कलस की भाई जाड़ा तक कटे नहीं चाहत बा का कहला स बड़ी दिक्कत बा का कहलस। कि भैया भौजी घर में सूते अरे हम सुतिया गानवान दियो नया वेला हमारा अरे निदियो नया वेला हमारा हो जाला बिहानवान दियो ना गीत बा लेकिन शर्त के अनुसार पप्पू 10 दिन पहले घरे आल हुवन। एक दिन अपना पत्नी के बीच रही के घर पर रही के बिहान भर ससुरारी चलल हुवन अपने साली के लियाओ बदी। कैसे चलन पप्पू ससुरारी चलल पप्पू ससुरारी चलल कई के पाया नवा साली के लियाव हो चलल साली के लियाव हो चलल धाई के साधा नवा साली के लियाव हो चलल ससुरार का तैयारी कैला हा बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहिनला हा बस पकड़ लेला कि चलत है ससुरारी अपना साली के लिया के आई चलल होवन। कैसे चलन ससुरार चलल होवन तो छोटे भैया उनका रुतबे अलग हो बढ़िया सा कपड़ा बड़ा पहन के हाथ में बड़की मोबाइल ले के अपन चमकावत के चलल हो बस भाई के ससुरार पहुंचल होन। नाश्ता पानी भल कहला कि अब चले के 10 दिन का छुट्टी लेके आल ही यही में छठ पूजा बिता के फिर ड्यूटी पे जाए के हो। साली संगे चलल बा कैसे चलल पप्पू साथे किरण चली रहिया में अखिया लड़ी साली के लिया के साली के लिया के अपने भावनवा साली के लिया वे हो चलल साली के लियाव हो चलल धाई के साधनवा साली के लियाव हो चलल ए भैया। ससुरार पहुंचल होन ससुरारी पानी दाना भइल हो साली किरण तैयार होके अपने जीजा के साथे चल दे हलिया हाँ। बढ़िया सा ड्रेस पहनले हैं बगल में बेग बा जीजू जीजू कर जीजू जीजू कर तो जीजा के लगे सटल हैं ए भैया रास्ता में ये दोनों जने का आपसी मेल जोल प्यार में बदल गई। देखा ये जीजा का हाल आपसी मेल जोल प्यार में बदल गई। साली कहले कि ये जीजा बड़ा दिन से तुह चाहत रहली आज हमके मौका मिलल हो रोज तो बहन के संगे रहबे करला बहन के संगे तो तुहार बियाह है भेल बा लेकिन सालियो में आधा हिस्सा होले
एके के बताई एहू के मजाला। ए भैया रास्ते में दोनों जने का आपसी बातचीत एकदम प्यार चरम सीमा पर लगल चाय चाय करे। जीजो कहलन कि हाँ तो ये व्यवस्था है तो इस व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए। जीजा भी अपन दिल फेक आशिक बन भैलन। कहलन कि अरे साली तू हमारी साली हो तो तुम हमारा आधा हिस्सा तुम में बनता है, चला पूरा तुहार सहयोग कर जाए। ए भैया प्यार दोनों जने के एकदम मिसाल पकड़ लहलस। बात बात में साली कहलस कि ए जीजा चलत तो है लेकिन हम लौट के घरे ना जाए। अरे बाप रे बाप। जीजा कहला काहे काहे ना जाइबू भाई। अरे तोहरा बहिन हमसे बिहल बे हमार दुलहिन बा हमार धर्म पत्नी बा काहे ना जाइबू। कहलिन कि तोहरे संगे हम चलल हई तो लौट के जाए बदे ना। देखा ये त्रिया चाल हो त्रिया चरित्रम दैयोम न जानम। कहलिन कि जाए बदे हम ना आयल हई अब तोहरे संगे हम रोहे बदे आयल हई। जीजा कहला अच्छा चला देखल जाए लेकिन उ तोहर बहिनिया जवन घरमा बा उ कहां जाए। उ साली कलस कि उ कहीं जाओ हमसे मतलब ना बा लेकिन हम तोहरे संगे मरे जिए का एकदम इच्छा बना ले ली। हम तोहरे संगे रहब तो तोहरे संगे रहब। अगर हम अपने बहिन के मारे की भी पड़ी तो हम मार दी। ए भैया दोनों लोग घर पहुंचला है लेकिन ई प्यार एकदम चरम सीमा पर चढ़ गई बा। उ बहिन किरण अपने बहिन तारा के मारे बदे तैयार हो गई। कलस के हम तोहरे संगे बिया करब भले ही अपने बहिन के खात्मा करे को होई। ए भैया वह दिन आ गया छठ का प्रभ है व्रत है वह बहन तारा रात को सोई है अपने रूम में लेकिन वह नागन बहन जो अपने बहन के घर पे आई थी आज सौत बनने की तैयारी में बन बैठी है सोई है चारपाई में जाकर के बांध देती है अपने बहन को और सीने पर सवार होकर के कटारी भोकना ही चाहती है। तब तक तारा की आंख खुल गई और आंख खुली तो देख करके अवाक है कि कोई दूसरा नहीं मेरी बहन ही मेरा हत्या करना चाहती है। रोने लगती है वह बहन तारा रो करके अपने बहन से एक बात कहती है। क्या कहती है मास्टर? बड़ी पुरान गीत बा लेकिन आज भी जिंदा बा। कैसे मास्टर? अरे गंगा माई के ऊंची बा अड़ारिया नू हो जहवा बैठा भागवा जहवा बैठा भागवा ए भैया इत गीत बा लेकिन वह बहन किरण अपनी बहन तारा के सीने पर बैठ गई है हाथ में कटारी लेकर के तान करके बैठी है। देखती है वह बहन नजर खुलती है कि आज मेरी ही बहन मुझे मारने के लिए तैयार है। आंखों से अश्रु की धार चल रही है छठ का व्रत है। कली अरे बहनिया काहे हमके मारे बदे तैयार है। रो करके वह बहन तारा अपने बहन किरण से एक बात कहती है। क्या? हाथी जोरी बोला ले हाथी जोरा बोला ले बहिनी आनू हो छोड़ी दा बहिनी हमार छोड़ी दा बहिनी हमार
अरे किरण, कवन हमसे गलती हो गई कि आज हमार बहिन ही हमार काल बन गई, काहे ऐसा करते हो? लेकिन वह पापी ने एक भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। लेकिन वह बहन कह रही है कि अरे बहिनी, हम तो भूखल है नरे, काहे हमके मारल चाहते ही कहत बा। भूखल हम छट पानी मत मार जनावा, सुती उठी खोजे लगी हाँ हमारो सुगनावा, कहे तारत बड़ू तू नदनियानू हो, कहे तारत बड़ू तू नदनियानू हो, छोड़ी दा बहिनी हमार, छोड़ी दा बहिनी, ए बहिनी काहे हमके मारे बदे तैयार हो? बहिनी हम तो छठ का व्रत ही न हो, दिन भर एकदम मुंह में पानी कभी एक बूंद नहीं गल, हरे बहिनी आखिर काहे हमके मारे थई? हमके मत मार बहिनी, हमार 10 साल का बबुआ बा, सवेरे उठ के मम्मी मम्मी कही के हमार आंचल पकड़ के पूरा आंगन का दुवार घूम गले। अरे बहिनिया बिहने उठी तो कैसे पूछी कि हमार मम्मी कहाँ गई? लेकिन वह पापिन अपनी बहन की एक बात नहीं सुनती है, ताबड़तर चाकू की धार से उस अपनी बहन के पेट के ऊपर, छाती के ऊपर चाकू का प्रहार करना शुरू करती है। आखिर बहन इस दुनिया को छोड़कर के अलविदा हो गई। ए भैया, वो बहन अपने ईमान को मार करके इस दुनिया से रुखसत कर देती है, अपने प्यार के जाल में फंस करके अपने ही बहन का घर उजाड़ करके आज बहन के पति के साथ आज शादी करने के लिए वो बहन तैयार है। ए बाबू, लेकिन भैल का कवि जी भाव लिखत हुआ, कभी के कल्पना हो टेरी में कितनी बढ़िया बात लिखल गई हो। इस समाज का परिवेश, इस समाज में क्या हो रहा है, कवि ने भाव लिखा है क्या? कि कल युग में नैया बालू पर चली, नारी जाल में पुरुष बन के नची है भालू, अरे हो भालू, अरे हो भाप। कल युग में नैया बालू पर चली, नारी जाल में पुरुष बन के नची है भालू, कल युग में नैया बालू पर चली। ए भैया, आखिर वह बहन अपने बहन को मार देती है। धीरे धीरे समय बीतल बा, परिवार के एक साथ लोग रहत बा, लेकिन समय बीतल बा, धीरे धीरे तेरे ही बरही का कार्यक्रम बीत गई। एक दिन रात का समय बा, माई शारदा और उजन पोता 10 साल का बा अनिल और वह किरण बगल में, तीनों लोग एक जगह सोई हैं। ए भैया, रात का धीरे धीरे 12 बजत बा, माई शारदा का नजर खुलल हो, नींद टूट गई, देखे लगल कि हमार बबुआ बगल में बा कि ना, टोई वोई लेहलिन, देखलिन कि बगल में किरण सोल रहल, लेकिन ये समय किरण हमरे पास नहीं बा,
सोचे लगे कि आधी रात के किरण कहाँ चल गई, रूम में बगल गईली है तो रूम से कुछ आवाज आवत हो, दीवार के पास सट के माई कुछ बात सुनत है। इन दोनों किरण और पप्पू दोनों जने आपस में बतियावत हुन। किरण कहलिन कि आखिर हमहन तो अपना दीदी के हम मार देहली, लेकिन जो 10 साल का बचौआ बा ओकर का होई। वो बूढ़ी माँ शारदा सुनने के बाद अवाक हो जाती है कि अरे इन्होंने इतना बड़ा अंजाम दे दिया, मेरे बहू को मार दिया है और आज मेरे बेटे को, मेरे पोते को मारने के लिए ये नागन तैयार है। भागी भागी माँ वह बूढ़ी माँ आती है और अपने बच्चे को जगाती है, अपने पोते को जगाती है, लेकर के भाग चली वह माँ आधी रात को ही भाग चली। ए भैया लेकिन समय बीतत बाई, दोनों अपन ऐसो आराम का जिंदगी जियत हो। कुछ दिन का समय बीतल त पप्पू कहलन कि अब हमके ड्यूटी पर चले के हम दोनों बयान कह के लखनऊ की तरफ चलल होन। वो समय का भाव हो, गीत लगल मास्टर। साड़ी हम ना पहनब राजा, साड़ी हम ना पहनब राजा, रेलिया का ड्राइवर साड़ी लेकिन ए बाबू वह किरण और पप्पू लखनऊ के लिए तैयारी कर देते हैं, चलल हवन दोनों कैसे। तब पप्पू किरण दोनों चलल भैया लखनऊ सहरिया, पप्पू किरण पप्पू योजना लिया बनाई किरण को बेचावा ले जाई, बीबी काजल बेटा पंकज भैया लखनऊ सहरिया, बीबी काजल बेटा पंकज भैया लखनऊ, ए भैया लेकर के वह किरण को पप्पू तो चल दिया लखनऊ के लिए, लेकिन मन में सोच रहा है कि लखनऊ लेकर के मैं इसे कैसे जाऊंगा, वहां भी हमारे एक बीबी और बच्चे हैं। देखा यहां अपना मेहरारू के अपना प्रेम जाल में फंसाई के मार दी हल साली के लेके चलल हो, लेकिन उनके मन में बात चलत बा। सोचे लगल पप्पू की आखिर करी तो करी का, लखनऊ में के लेके जा ना सकीला, वहां भी हमारे एक बीबी बच्चा हुआ। लखनऊ के कोठे पर लेकर के जाता है अपनी साली किरण को और पप्पू, ले जा करके 1 लाख रुपए में सौदा तय करता है एक दलाल से और उस किरण को उसी कोठे पर बेच देता है। बेच करके लखनऊ चला जाता है वह पप्पू। बीबी काजल और पंकज के बीच जा करके वह पप्पू अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। ए भैया लेकिन गीत लगल कैसे। माता बहिन लोग गावत रहली कैसे मास्टर।
अरे मोरे पिछवर वालो हर भैया मीत, अरे मोरे पिछवर वालो हर भैया मीत, लोहे का उमर झूमरिया लोहे का उमर झूमरी। समय बीता था लखनऊ में अपने बीबी और बच्चन के साथ समय बितावत होवन पप्पू, लेकिन जवन लड़िकवा बा धीरे धीरे 18 साल का भैल बा, गलत संगत में पढ़ के उ लड़िका का हालत का हो। अरे पंकज का आदत बा बहुते खराब, अरे पंकज का आदत बा बहुते खराब, जाले उ कोठवा रोजे रोजे जाले उ कोठवा रोजे। गलत संगत में पढ़ के वो पंकज 18 साल का उम्र भइल हो, रोज संगी साथिन के बीच में दारू पीना और ऐसो आराम का जिंदगी जियल चाहते, रोज कोठा पर पहुंच जाते सिगरेट दगा के। ए भैया वही कोठा पर पहुंचल है जौने पर वह बाप पप्पू किरण को बेच करके गया है, वही कोठा पर रोज जात बार रोज नयन मटक्का करत है, रोज ऐसो आराम मनावत है ए भैया। लेकिन एक दिन भइल हका वही कोठा पर, अरे किरण से पंकज नैना लड़ावे, अरे जीवन का साथी हो, अरे जीवन का साथी वो अपने बतावे, अरे कैले बा शादी, अरे कैले बा शादी वो पिए शराब, जाले वो कोठवा रोजे रोजे साथियों के साथ जश्न करना, दारू पीना और रोज कोठे पर जाकर के ऐसो आराम की जिंदगी जीना। उसी कोठे पर पहुंचता है जहां उसका बाप किरण को बेच करके गया है। ए भैया वही कोठा पर जा जा तो किरण से नैन चार हो गए पंकज का, मरा जिया का करार दोनों करा लगलन, तुझे मैं दुल्हन बना करके अपने घर लेकर के चलूंगा ए भैया। लेकिन वह कोठे की वो नित्यांगना कह रही है कि मैं किसी की घर की सिंगार नहीं बन सकती, मेरा जीवन इसी कोठे पर बीत जाएगा, लोग इस समाज के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तब पगलायल बा कलश की ना ही दुल्हन बनाई तो ही के बनाई ए भैया। एक दिन उसी कोठे पर रूम में दोनों बंद है और दोनों आपस में मिलान कर रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसी बीच में उसके पॉकेट में रखा हुआ पर्स गिर जाता है उसी बेड के नीचे। किरण उठती है, देखती है कि पर्स गिरा है और पर्स उठाती है तो उस पर्स में एक फोटो देखती है
और फोटो देखने के बाद पूछती है अपने यार पंकज से कि आखिर ये किसकी फोटो है। वो बताता है कि एक तरफ मेरे पिता हैं और दूसरे तरफ मेरी माँ है। उसे समझते देरी नहीं लगा कि वही मेरा जीजा पप्पू है और यहाँ भी आकर के शादी कर बैठा है। एक तरफ मेरी बहन को मेरे हाथों हमारे प्यार में पड़ करके मेरे ही बहन को हमसे मरवा दिया और यहाँ ला करके हमें कोठे पर बेच करके चला गया और लखनऊ में दूसरी शादी करके जिंदगी बिता रहा है। ए भैया बदले का भाव करे मन में जागृत हो गए कि अच्छा तो ये तोहार बेटे बा, समझ गए कि बेटा बा उनकर तो हमार लड़का लगी, लेकिन वही घरे में हम तोहार पतोह बन के आई। देखा द्वेष का भाव हो कि अच्छा हमारा साथे तू धोखा कैला तो तुहरा साथे भी धोखा करो। ए भैया एक दिन पंकज उसी किरण से शादी करके ले करके अपने घर की तरफ चलता है, तब का भाव आल्हा में लगल। मास्टर कि दुनिया के अंदर बड़ बड़ अरे भैला सिकंदर भैया नारी जस समुंदर उनके देहालस डूबा किरण के पंकज लेके पहुंच गईल घरवा भैया पार्टी एक देहला सबके ले हाल बोला लेके बियाह कह के दुल्हन किरण के लेके अपने घरे पर पहुंचल हुवन। वही शादी का पार्टी अपना घर पर देत हुवन, लेकिन पार्टी में उनकर ड्राइवर अनिल बा पंकज कहलन। पंकज कहला कि अरे अनिल तूने बताया कि मेरे घर में एक ही मेरी बूढ़ी माँ है, उसी के साथ मैं जीवन यापन करता हूँ। अरे जाओ इस पार्टी में अपने बूढ़ी माँ को भी लेकर के चली आओ और वो भी कुछ भोजन पानी कर लेंगी और चली जाएंगी तुम्हारे साथ। गाड़ी लेकर के जाओ और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के चले आओ। अनिल लेके गाड़ी चलल बा अपने बूढ़िया माई के लिए आओ बदे कैसे। ड्राइवर अनिल से तो ड्राइवर अनिल से तब बोले हा बचनिया पंकज माई के लिए आवाजा के गाड़ी में बीठा शारदा के लेके अनिल शारदा के लेके अनिल ऊ हवा हो यही हो गईला पप्पू के देखी शारदा गईली घबरा ए भैया पंकज कहता है कि जाकर के अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के चले आओ, मेरी गाड़ी ले लो और जाओ अपनी माँ को लेकर के चले आओ। इस पार्टी में एक ही सदस्य नहीं रहेगा, तुम्हारी बूढ़ी माँ ही नहीं रहेंगी, आखिर तुहरे घरे में एक जने हन उनहू के ले ले आवा वो खा पी ली हन। लेकर के गाड़ी में अनिल अपनी बूढ़ी माँ शारदा को लेकर के वहां पहुंचा है उस पार्टी में और पार्टी का नजारा देख करके मां शारदा अवाक हो गई। अरे ये कैसे देखत है कि एक तरफ पार्टी में लोगन के मैनेज करत हो नहीं का लड़का पप्पू अवाक है, शारदा महतारी अवाक है कैली का
पंकज के साथे किरण, पंकज के साथे किरण खड़ा हो समनवा रहली। किरण के देख सरदा गिरी भारा, पंकज लपक के उनके ताबत उठाव लगल। पूछल पसापा बात देहाली सुना, ए भैया माँ शारदा को उठाते हैं, समझाते हैं, मूर्छा में गिरना चाहती है, तब तक दौड़ करके अपने स्टेज को छोड़ करके पंकज एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से उसका पोता अनिल आता है, दोनों पकड़ लेते हैं, पानी का छींटा मार करके होश में आती है माँ शारदा, मुंह धोआवल गल होश में आईली हाँ, बतावत हैं कि ये बेटा कोई और नहीं, ये जो सामने खड़ा है कोई और नहीं है, मेरा बेटा पप्पू है, और तुम्हारी दुल्हन बन के जो ये सामने खड़ी है उसी की साली है, और आज तुम्हारी दुल्हन बन के खड़ी है। जब सारी बात वो पंकज जान जाता है कि ऐसा कारनामा ये किरण की ही थी, आखिर मेरे पर्स, मेरे पॉकेट में से मेरा पर्स गिरा था, ये फोटो देख ली थी, लेकिन सारी बात जानती थी, लेकिन मेरे साथ शादी करके आज ये आई है। अरे ये जब अपनी बहन का नहीं हो सकी तो मेरा क्या होगी। क्रोध में लाल है पंकज, दोनों को धिक्कारता है कि कैसा तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा कहने लायक नहीं हूं, इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, क्या कहूं इस नागिन को जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। क्रोध में लाल है, पिस्टल हाथ में निकाल करके लहरा रहा है, तब का भाव है, खड़ी का लग भाव लगल मास्टर। अरे पिस्टन के तानी पंकज पूछे बतिया, मारा गोली है पंकज किरण के छतिया, हाथ में पिस्टल उठाता है और लहराते हुए उसी अपनी नई नबेली दुल्हन के पास, किरण के पास पहुंचता है, कहता है कि अरे नागिन, सारी बात जानते हुए भी मेरे साथ धोखा किया। गोली चलाता है, तार तार दो गोली चलती है, और वह किरण दुल्हन की लिबास में उसी खून से लथपथ होकर के उसी धरती पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ राइफल लेकर के दौड़ा है तबका भाई। पिस्टल को घुमाया पंकज, अरे पप्पू के समनवा, पप्पू का जल भी छोड़ दे हाला जाना, दूसरी तरफ पिस्टल लेकर के दौड़ा है अपने पिता की तरफ, एक गोली पप्पू को मारता है और एक गोली अपनी माँ काजल को मारता है। एक तरफ पप्पू गिरा है, दूसरे तरफ काजल गिरी है, और तीसरे तरफ वह किरण नई नबेली दुल्हन जो बन करके आई थी वह किरण गिरी है। ए भैया तीनों को गोली मार करके सुला देता है, और अपने भाई अनिल को जो धर्म का भाई है पकड़ लेता है, कहता है कि अरे भाई तू अब कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा पूरा हक है, इस बूढ़ी माँ को लेकर के ऐसो आराम की जिंदगी जियो, अब तो मैं जाऊंगा जेल, हो सके तो मैं लौट करके आऊंगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो इस
प्रॉपर्टी का देखभाल करना, लेकिन जेल में हमसे मिलने के लिए तू जरूर आना रे भाई। क्या कहता है? दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दौड़ करके दादी के पास जाते हैं। दोनों अपनी दादी को बाहों में लेकर के कह रहे हैं कि अरे माँ ये क्या हो गया। दोनों रोए के बात कहला, का कहला, अरे दादी के पकड़ के दोनों रोवे नतिया, मारा गोली है पंकज किरण के छाती। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आती है, उस भाई पंकज को पकड़ करके लेके चली जाती है। आजीवन कारावास की सजा होती है। अपनी दादी को लेकर के वह अनिल उसी घर में रह रहा है और अपने भाई से जा करके जेल में मिलाई कर रहा है। यही हमारी कहानी खत्म हुई। आखिरी लाइन गुरु घराने का परिचय, जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ हबीबुल्ला की फुलवारी। गंगा सागर सुभाष विजय शंकर श्री नारायण की बलिहारी हो। कलयुग में नैया बालू पर चली, लिखे हरि शंकर सोहन बड़ा दयालु। कलयुग में नैया बालू पर चली,